अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये देखिए, एक बच्ची के साथ में इस तरह की बात आई है और उसमें जो लड़के थे वहाँ गांव वालों ने बहुत उसका परिचय देते हुए तीनों को मौके पर ही पकड़ लिया था और उनको लेके थाने आए हैं। मुकदमा लिखा जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि इस तरह की घटना करने का कोई दोबारा दुस्साहस ना करे। लड़के डॉक्टर परीक्षण कराया जा रहा है सर, उस जो भी इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज है वो सब जाएगी। ये सब प्रेस में बताने की चीज नहीं है, अभी हम हर स्टेप पर डिस्कस नहीं कर सकते। जो विधिक कार्रवाई है सब इसमें की जाएगी। इन बच्चों के साथ साथ सर कुछ बिसावर को और एक मौलाना साहब का नाम आ रहा है सामने। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि विवेचना की चीजें हर स्टेप पर डिस्कस नहीं हो सकती, वो विवेचना है, विवेचना ही है। मैंने आपसे कहा कि जो भी विधिक इसमें कार्रवाई है, हर विधिक कार्रवाई इसमें पूरी की जाएगी, किसी भी लकुना को छोड़ा नहीं जाएगा। एक 4 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर कुछ 3 मुस्लिम युवक एक लाया के खेत में ले गए और वहां पे उन्होंने गलत काम करने की कोशिश करी और उस लड़की के कपड़े भी उतार लिए। किसी कारणवश वहां पे परिवार का एक कोई सदस्य पहुंच गया, उसे देखकर 2 लड़के भाग गए और एक को मौके से ही पकड़ लिया। अब कहां है वो? अब यही है कि वो लड़की घर पे है और वो तीनों युवक बता रहे हैं कि हिरासत में है, लेकिन ये पुलिस वाले गुमराह कर रहे हैं। अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उल्टा उस 4 साल की बच्ची को चाह रहे कि उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया है। इस बात में पुलिस वाले दबाव डाल रहे हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।